1984 में लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर अब्दुल मोबट नामक एक व्यक्ति पहुंचता है। सैकड़ों की भीड़ में अब्दुल मोबट की पहचान अलग निकलती है। बात हैरानी की तब हुई जब एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान अफसरों ने अब्दुल के पासपोर्ट पर जन्म साल 1832 लिखा पाया। कोई गलत मिस्टेक होगी ये सोचकर अब्दुल की उम्र कई बार जांच की गई। किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा यह इंसान 152 साल का भी हो सकता है। और तो और 152 साल का यह आदमी हमारे सामने सही सलामत खड़ा भी रह सकता है। बहुत जांच के दौरान यह पता चला 152 साल का यह व्यक्ति हुंजा का है, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में बसी हुंजा प्रजाति। सिर्फ उम्र में ही लंबी नहीं होती बल्कि यहाँ के लोगों की खूबसूरती भी गजब की होती है। हुंजा की महिलाएं दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती है। यहाँ के लोग 70 साल तक जवान दिखते हैं और यहाँ की महिलाएं 60 साल तक बच्चे जन्म कर सकती हैं। हुंजा के लोगों का इस तरह से स्वस्थ रहना कोई वरदान या चमत्कार नहीं है, ये सब इनके खान पान और रहन सहन पर डिपेंड करता है। यहाँ के लोग सिर्फ पौष्टिक आहार ही लेते हैं। रिसर्चर्स ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हुंजा के लोग खाने में ज्यादा से ज्यादा धूप में सुखाए हुए अखरोट व एक विशेष प्रकार के मेवे का इस्तेमाल करते हैं जिसे खुबानी कहा जाता है। खुबानी में B70 कंपाउंड पाया जाता है जो एक तरह से लोगों के एंटी कैंसर एजेंट तथा कैंसर जैसे रोगों को खत्म करने में काम करता है। चूंकि हुंजा के लोग काफी ज्यादा खुबानी का सेवन करते हैं इसलिए उनमें कैंसर नहीं पाया जाता है। हुंजा के लोगों को कैंसर मुक्त प्रजाति में रखा जाता है। हुंजा के लोग खान पान में कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, मेवे और दूध का भी सेवन करते हैं। ये लोग साल में 2 से 3 महीने खाना नहीं खाते हैं। इन दिनों ये सिर्फ जूस का सेवन करते हैं। इनके खान पान और रहन का ही असर है जिससे इनकी औसत उम्र 120 साल तक होती है और 70 साल तक जवान दिखते हैं। दुनिया भर के डॉक्टरों का भी मानना है कि इनकी जीवन शैली ही इनकी लंबी आयु का राज है। ये लोग रोज सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें भी चाहिए लंबी उम्र तो अपनाइए हुंजा प्रजाति की जीवन शैली। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।